नेक्स्ट मूवमेंट है सर्कमडक्शन। अभी भी हम एंगुलर मूवमेंट्स की ही बात करते हैं, तो एंगुलर मूवमेंट्स में सातवां मूवमेंट है अपना सर्कमडक्शन। अब देखो सर्कमडक्शन अपने आप में कोई आइसोलेटेड मूवमेंट है नहीं, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग मूवमेंट्स का। लेकिन बेसिकली अगर हम समझे सर्कमडक्शन, तो सर्कम रेफर्स टू सर्कल, तो जब हम किसी भी जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करते हैं तो दैट इज सर्कमडक्शन। जैसे आप जॉइंट में शोल्डर जॉइंट की बात करता हूं, तो ये शोल्डर जॉइंट पे ये जो मूवमेंट हो रहा है दिस इज सर्कमडक्शन। आप इसको इस प्लेन में देखें, ये सर्कमडक्शन होगा शोल्डर जॉइंट का, ठीक है, ये जो सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है ये सर्कमडक्शन। रिस्ट जॉइंट पे बात करता हूं मैं, रिस्ट जॉइंट पे जब हम ये इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो दिस इज सर्कमडक्शन, पूरा सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है रिस्ट जॉइंट पे। नेक्स्ट इस थंब का सर्कमडक्शन देखते हैं हम लोग। देखो थंब का सर्कमडक्शन आप इस जॉइंट पे फोकस करें, ये जॉइंट कौन सा होगा, ये थंब का मेटाकार्पल और ये कार्पल्स, ठीक है। तो ये जो थंब का मेटाकार्पल और इस कार्पल के बीच में इस प्रॉपर जॉइंट पे देखो आप, ये थंब का सर्कमडक्शन है यानी सर्कुलर मूवमेंट। ठीक इसी तरह से आप किसी डिजिट का भी अगर आप सर्कमडक्शन देखोगे तो वो भी इसी तरह से रहता है कि आप किस तरह से फिंगर को एक सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हो, ये कुछ ऐसा, ये जो सर्कुलर मोशन होता है फिंगर का, दिस इज सर्कमडक्शन ऑफ फिंगर, ठीक है। सबसे एंड में बात करते हैं सर्कमडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट की। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको शोल्डर जॉइंट का सर्कमडक्शन सिखाया था कि किस तरह से शोल्डर जॉइंट पूरा इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, ठीक इसी तरह का सर्कमडक्शन आप हिप जॉइंट में भी नोटिस कर सकते हो। जब आप अपना पांव इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करते हो तो दिस इज बेसिकली सर्कमडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, क्लियर। लेकिन एक चीज यहां आप नोटिस करो कि हिप जॉइंट का सर्कमडक्शन उतना सर्कुलर नहीं है। आप शोल्डर जॉइंट का सर्कमडक्शन देखो, आप एक अच्छा खासा सर्कल बन रहा है यहां पे, लेकिन हिप जॉइंट का सर्कमडक्शन इतना प्रॉपर सर्कल नहीं बनता। उसका जो सबसे मेन रीजन है वो रीजन है ग्लेनॉइड कैविटी जो रहता है थोड़ा ऐसा शैलो टाइप है, जबकि हिप जॉइंट में जो फीमर जो जॉइंट बनाता है वो बनाता है एसिटाबुलम कैविटी में जो कि काफी डीप रहती है। तो यहां पे जो फीमर का हेड है अंदर की तरफ वो काफी डेप्थ में है, इसलिए इतना प्रॉपर सर्कुलर मोशन जो है हिप जॉइंट में नोटिस नहीं किया जा सकता। और प्लस जो लिगामेंट्स का पोजीशनिंग है वो भी थोड़ा जो है हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है हिप जॉइंट के प्रॉपर सर्कमडक्शन में।